DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, राजीव कुरेशी महाठाक, इसका सबसे प्यारा और सबसे चहीता एक एजेंट जिसका जिक्र पिछले एपिसोड से किया जा रहा है, जिसका नाम अफरोज खान उर्फ अप्पू बताया जा रहा है। दोस्तों, कि जैसा कि हमने आपको बताया कि महाठाक राजीव कुरेशी, उसको भी जेल हो चुका है। उसके एजेंट दिलीप फहीम और अन्य साथी जो मुंबई से, जिन्हें क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया, सबको जेल हो चुका है। अब बात रही अप्पू की। अप्पू 5 अप्रैल तक फिलहाल सक्करधारा पुलिस स्टेशन की कस्टडी में है, पूछताछ जारी है। सूत्र बताते हैं कि अप्पू एक ऐसा एजेंट था राजीव का, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अपने ठगी का शिकार किया है। एक का डबल झांसा दे करके सबसे ज़्यादा पैसा अप्पू ने ही राजीव को दिए थे। लोग इतने परेशान हैं कि प्रतिदिन सक्करधारा पुलिस स्टेशन में लोग आना जाना शुरू है, अपनी कहानी, अपनी दर्द, अपनी अर्जी, सब अपनी शिकायत को लेकर के सक्करधारा पुलिस स्टेशन में लोगों का डेली आना जाना शुरू है। लोग डेली अपनी शिकायत को लेकर के जाते हैं। इस संबंधित हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज ने सक्करधारा के PI धनंजय पाटिल से बातचीत की। धनंजय पाटिल इस विषय में क्या कहते हैं, वो सुनते हैं। ये अभी ये मामले में ये तीसरा गुना रजिस्टर हो रहा है। इसमें 130 के करीबन लोगों के हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। अप्पू भूरे खान उर्फ अफरोज खान और उसके रिलेटिव के भी नाम लोगों ने एप्लीकेशन में दिए हैं। ये 96 लाख रुपए की फसवणूक ये गुने में दिख रही है। इसके संबंधित 3 गुने दाखिल भी हुआ है, 4 और तपास चालू है इनके। रिकवरी वगैरह भी हुआ है हमारे? ये गुने में अभी तक रिकवरी नहीं है, बाकी गुने में तपास चालू है, क्राइम ब्रांच कर रही है। सर, ये पैसे किसको देता था जाकर? ये सबसे आखिरी में राजीव कुरेशी तक उसकी चेन अभी तक जा रही है। राजीव कुरेशी जो बालाघाट का है कल्प्रिट, वो अटक है, अरेस्ट है अभी। नहीं, ये अप्पू के गुने में उसका नाम आ रहा है, नसीम बेगम करके, तो तपास चालू है। अब तो ऐसी जानकारी सामने आई है कि ये सीधे साधे और हाथ मजूरी करने वाले, ऑटो चलाने वाले, गैरेज चलाने वाले, ऐसे सर्वसामान्य लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने कुछ तो भी झांसा दिया कि इंटरनेशनल शेयर मार्केट में मैं पैसे लगाता और उससे पैसे डबल होता, ऐसा राजीव कुरेशी का इनको बताने का एक स्ट्रेटजी था। वो हिसाब से ये लोग भी पढ़े लिखे नहीं है, वो भी सामने वाले को वैसी गारंटी देते थे और वो इससे उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया कि इंटरनेशनल शेयर मार्केट की वजह से मैं डबल करके आपको दूंगा और हम गारंटी लेते, ऐसे ये लोगों का कहना है। और बार बार अवेयरनेस करने के बावजूद भी ये लोग फंसे हैं। पुलिस स्टेशन सक्करधारा ने ये बात के लिए 2-3 महीने से कंटिन्यूस मस्जिदों से इमाम मौलवी लोगों के द्वारा अनाउंस किया, वहाँ एरिया में ऐटो से लाउडस्पीकर के द्वारा हमने लोगों को अवेयर किया कि ये ऐसी अंतिमता फसवणूक हो सकती है, आप लोग ऐसे झांसे में ना आए। तो भी लोगों ने भरोसा पुलिस डिपार्टमेंट के अवेयरनेस के ऊपर रखा नहीं और खुद होके ये एजेंट लोगों के पास पैसे जमा करी और बाद में उनको फसवणूक उनकी हो गई है। दोस्तों, की जैसा कि BCN सबसे पहले सारी जानकारी, राजीव कुरेशी महाठक की हर एक पल की जानकारी अब तक लेकर आता रहा है और इससे संबंधित जो भी नई जानकारी BCN के पास आएगी, सबसे पहले आप तक हम उसे लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ इन BCN न्यूज़ पे। जय हिंद। What are you waiting for? Enroll for aptitude and scholarship tests and get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees. For registration and details, call